हम कोई भी काम शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक ही निवेदन करेंगे कि आपके तालियों में और आपके जोश में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो भी पॉइंट अच्छा लगेगा उस पर आपको ताली बजाना है। और आज जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा नहीं है, मेरे गुरुओं का है, जिन्होंने मुझे बताया समझाया था, इस लेवल पे मैंने काम किया था तो मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। अगर आप भी आज के बाद करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। हम चाहते हैं कोई भी पॉइंट दिखाने से पहले, बताने से पहले, समझाने से पहले हमारे सुनील सर के लिए, हमारे अनु सर के लिए एक जोड़ा ताली होनी चाहिए। आपके भी जीवन में एक सीनियर है, आप उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हो एक बार अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो। एक मेरे सीनियर हैं जिन लोगों ने आप ही की जगह पे मैं कभी बैठता था वहां से उठा करके हमें स्टेज पे ला दिए। और आप भी एक सीनियर को पकड़े हैं, आप अपने सीनियर की कितना बात मानते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना वैल्यू देते हैं, कितना वजूद रखते हैं, आप एक बार अपने दिल से पूछो। और अगर अब तक आप कमी कर रहे थे, सीनियर की बात नहीं मान रहे थे और बताई गई बातों पे शक कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, आज के बाद अपने माइंड को फिर से चेंज कर लीजिए। जितनी बातें आपको बताई जाएंगी अगर आप अपने जीवन में अमल करेंगे, बिना शंका किए, बिना डाउट किए अपने जीवन में अमल करेंगे ना, तो आप भी वहां से उठ करके यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको जो बताया गया उस पर अमल नहीं किए, तो आप एक साल बिता लेंगे फिर से वही जिंदगी में रह जाएंगे जिस जिंदगी से निकलने का प्रयास आप कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में AWPL में सीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। सीनियर जब तक आपका भला नहीं सोचेगा, भला नहीं चाहेगा, भला रास्ता नहीं बताएगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेटवर्किंग में हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका मेहनत जरूर होता है, आपका संघर्ष जरूर होता है, लेकिन जो रास्ता निकालता है ना वो अपलाइन ही निकालता है, सीनियर ही निकालता है। समझ आ रहा है? Yes, yes. लेकिन हम गड़बड़ी कहाँ करते हैं, हम एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुनते समझते नहीं है और अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग AWPL कंपनी को और लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं। जब हम लोगों को बताते हैं कि आपको फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के लिए 100-100 SP से 3 लोगों की टीम बनानी है और आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा, उसी समय पे बहुत सारे लोग आपको रिजेक्शन देते हैं, आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। और आपका माइंड धीरे 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 नेगेटिव की तरफ चला जाता है कि यार हमने गलत डिसीजन लिया, हमने गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया, इस कंपनी में जो देखा था वैसा है नहीं। सही बोल रहा हूँ गलत? अगर हम जब ऐसा सोचने लगते हैं उसी समय हमारे माइंड में ना दूसरा काम आ जाता है कि हमको इस काम को करना है, अब इस काम की जगह पे हमें ये काम करना है। सही बोल रहा हूँ गलत? और जब हमारा माइंड दूसरा काम सोचने लगता है उस समय हम अपनी सोच को छोटी करने लगते हैं कि हमारे लिए गाड़ी अच्छी नहीं है, हमारे लिए घर खरीदना अच्छा नहीं है, हमारे लिए जमीन खरीदना अच्छा नहीं है, हमारे लिए बिजनेस ढूंढना अच्छा नहीं है। हम केवल और केवल अपने रोजी रोटी पे ध्यान दें, हम कमा लें, खा लें और अपने परिवार को जिला लें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सोच छोटी होने लगती है। सही बोल रहा हूँ गलत? अगर आपके साथ एक अपलाइन होता, अगर आपने जब कंपनी का प्लान दिखाया और आपके पास रिजेक्शन आया, अगर आपका तालमेल अच्छे सीनियर से होता, आप तुरंत उसे कॉल करते, सर हम मार्केट में प्लान दिखा रहे हैं और हमें ये दिक्कत आ रही है, और वो तुरंत आपको बुलाता और आपके काम करने की विधि को चेंज करवाता और धीरे धीरे आपको काम करने का सही तरीका बताता, और आप जितनी गलतियाँ मार्केट में कर रहे थे उन गलतियों को बंद करके आप एक बड़ी टीम बना लेते। सही बोल रहा हूँ गलत? लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक कमी कर दिया, ये अपने सीनियर को ही नहीं चुना, अपने सिस्टम को तो चुन लिया पर एक सीनियर नहीं चुना जिसकी वजह से हमें कामयाबी का रास्ता मिलता रहे। आज के बाद दोस्त मेरी एक बात नोट कर लीजिए, कोई भी काम करने से पहले, किसी भी चीज को अचीव करने से पहले अपना एक सीनियर चुन लो। अगर सीनियर ने जो बताया वही करने की आदत आपकी पड़ गई तो आपको सफल होने से AWPL में कुछ भी कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आपने सीनियर ही नहीं चुना, आप लगा लो खूब दिमाग, लगा लो जितना बुद्धि लगाना है, लगा लो जितना तरीका अपनाना है, आप 2-4-10 की टीम बना सकते हो, 100-150 की बना सकते हो, 1,000-500 की बना सकते हो, लेकिन सफलता वाली टीम आप नहीं बना सकते कि जो आपको कंटिन्यू सफल कराए, जो आपको हर लेवल पे पहुंचाए, जो आपके सपने को पूरा कराए, ऐसी टीम नहीं बना पाओगे। क्योंकि 2-4-10-20-50 की टीम सबने बनाया है। समझ में आ रहा है? आपको क्या चाहिए, बड़ी टीम? Yes. बड़ी सफलता? Yes. सपने पूरे? Yes. तो दोस्त एक सीनियर चुनो
और अगर वो जो भी आपको बताता है जैसा भी बताता है वही करना शुरू करो, कर सकते हो।